हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी हो गया है सुबह का टाइम और सुबह सुबह मैं आ गई हूँ किचन में और मेरे काम शुरू हो गए हैं, क्योंकि लास्ट वीक थोड़ा सा आउटिंग ज़्यादा हो गई है तो उस वजह से काफ़ी सारे काम पेंडिंग है। और यहाँ पर घर में मलाई भी काफ़ी सारी इकट्ठी हो गई थी मेरे हम लोगों के जाने के बाद भी। तो वैसे मैं संडे को ही ये जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो ख़त्म करती हूँ, जैसे कि मैंने और वीडियोज़ में भी शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ। लेकिन कभी ऐसा होता है कि सैटरडे संडे बहुत बिजी हो जाते हैं तो फिर ये काम मैं कर रही हूँ ट्यूसडे को। तो ये ब्लॉक ट्यूसडे का है, तो ट्यूसडे के दिन मैं सुबह सुबह मलाई से घी निकालने का काम कर रही हूँ, क्योंकि ये काम सुबह हो जाते हैं तभी पॉसिबल है, नहीं तो उसके बाद तो रूटीन के काम शुरू हो जाते हैं। और साथ में दूसरी तरफ बन रही है सब लोगों की चाय, क्योंकि सभी उठ गए हैं तो चाय का भी टाइम हो रहा था तो मैंने चाय भी चढ़ा दी है। और आज भी मैं थोड़ा जल्दी में ही हूँ क्योंकि मुझे जाना है बाहर। एक्चुअली आज मुझे जाना है गाज़ियाबाद, और तो इसलिए मैं ना जल्दी जल्दी चाय नाश्ता करके चली जाऊँगी। और बच्चे अभी भी सोए हुए हैं क्योंकि बच्चों की अभी छुट्टियाँ चल रही हैं और फर्स्ट के बाद ही स्कूल स्टार्ट होगा, तो अभी वो लोग थोड़ा रिलैक्स हैं। और साथ में मेरे पास टाइम था तो मैंने कुछ कपड़े भी प्रेस कर दिए, क्योंकि जब कहीं बाहर जाओ तो काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठा हो जाते हैं, तो मैंने कुछ कपड़े यहाँ पर प्रेस करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि दो तीन दिन करेंगे तो हो जाएगा। और अब आ गए हैं किचन में, तो आज बन रहा है ब्रेकफास्ट में उत्तपम, अनियन उत्तपम भी बना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से मम्मी पापा ब्रेड खाकर ही काम चला रहे थे जब हम लोग नहीं थे, तो फिर मैंने सोचा कुछ आज उनके लिए नाश्ते में कुछ चेंज बना देते हैं, तो मैंने अनियन उत्पम बना दिया है। और ये एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन लगता है नाश्ते के लिए, काफ़ी हेल्दी ऑप्शन में आता है उत्पम, क्योंकि कम ऑयली है। और ये सूजी का उत्पम बना रही हूँ आज मैं, तो ब्रेकफास्ट बस मम्मी पापा को ही करवा के जाने वाली हूँ, हम लोग नहीं करने वाले हैं क्योंकि अभी बहुत जल्दी है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल गए थे गाज़ियाबाद के लिए, तो हम पहुंच गए हैं यहाँ पर अपना गाज़ियाबाद। और इनको अपने ऑफिस में भी कुछ काम है तो ये ऑफिस का काम करेंगे, और मेरे अपने कुछ एक्स्ट्रा काम थे शॉपिंग वगैरह के तो मैं वो ख़त्म करूँगी। और करते करते हम लोगों को काफ़ी लेट हो गया, 3 बज गए हैं, तो अभी हमें करना था लंच और हम पहुँच गए हैं लंच के लिए। जैन शिकंजी पर, और यहाँ का डोसा मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया कि जब भी जैन शिकंजी पर जाते हैं हम लोग, शिकंजी और डोसा दोनों ही चीज़ें हमें यहाँ की अच्छी लगती हैं, तो हम दोनों आ गए हैं यहाँ पर डोसा खाने के लिए और थोड़ी सी गपशप करने के लिए। तो अभी फ्री थे तो हम लोगों ने बातें भी कर ली हैं और अपना जा साथ में ले ली है बहुत ही बढ़िया ठंडी ठंडी सी शिकंजी, क्योंकि बाहर काफ़ी गर्म था आज। आजकल धूप बहुत तेज़ होने लग गई है तो बाहर निकलते से ही ऐसा लगता है कि कुछ ठंडा ठंडा खाया जाए, तो यहाँ पर हम लोगों ने अपनी शिकंजी मंगा ली है। और ये शिकंजी मुझे उतना नहीं पर मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम लोग जब भी जाएँ शिकंजी पर आते हैं शिकंजी ज़रूर पीते हैं। और मुझे यहाँ का डोसा, मसाला डोसा काफ़ी अच्छा लगता है, तो हम लोगों ने डोसा भी ले लिया है, तो हम दोनों का लंच हो जाएगा। और साथ में लिया है हम लोगों ने उत्पम, तो उत्पम नहीं आया तब तक हम डोसे से ही स्टार्ट कर दिए हैं दोनों, तो बस अपना दोनों ने अपना हाफ ऑफ कर लिया और हम लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया है। और जब तक उत्पम आ रहा है तब तक हम अपना डोसा एंजॉय करते हैं।